एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज है 18 तारीख यानी 18 अगस्त, दिन है संडे। और आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज मेरे कज़न ब्रदर की छोटी सी प्यारी सी परी आई है, बहुत ही क्यूट है। उसकी इमेज मैं लगा दूंगी यहीं कहीं पर, तो देखना, बहुत क्यूट है, प्यारी सी है, बेबी गर्ल है। अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट कीजिएगा मुझे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग की शुरुआत करी है। एक्चुअल में मुझे हो गया था चिकनगुनिया, उसके लक्षण दिखाई दे रहे थे मेरे, मतलब फीवर, वॉमिटिंग और लूज मोशन, मतलब सब चीज़ हो गई थी। बॉडी पेन इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो डॉक्टर कह रहा था कि चिकनगुनिया लग रहा है। तो उस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो चलिए आज ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और आई एम वेरी हैप्पी, और प्लीज़ नाम जरूर सजेस्ट कीजिएगा छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल के लिए। चाय, नेक्स्ट मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं। और मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ अपने लिए, और रोटी खाना खाऊंगी मैं, तो मुझे चाय के साथ रोटी खाने का आज मन कर रहा है, तो इसलिए मैं चाय और रोटी खाऊंगी। तो बस चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, और इधर तवा रखा है ताकि रोटी को गर्म कर लूँ, क्योंकि सुबह ही रोटियाँ बना दी थी, तो बस अब वो करती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। लगाई है हल्की सी, और मैंने रोटियों पे घी लगा के सेक लिया, और इस पर अचार का मसाला रख लिया है, और घिया की सब्जी बनी है जो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है, तो फिर भी थोड़ी सी रख लेती हूँ घिया की सब्जी। और ये तो चलिए खा लेते हैं, आप भी आ जाइए, आप भी इस तरीके से यूनिक स्टाइल से खाइए, बताइएगा, और बताइएगा कमेंट करके कि किस कौन कौन इस तरीके से खाना खा लेता है, मैं खा लेती हूँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गुड इवनिंग एवरी वन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और 5 बज रहे हैं, सो गई थी मैं, और बालू की भी क्या हालत हो गई है। चाय बना रही हूँ और दूध बॉइल होने के लिए रख दिया है। अभी खाने की कोई तैयारी नहीं करी है कि क्या बनाना है अभी खाने में, वैसे पनीर रखा हुआ है, तो देखो क्या बनाते हैं। बस अभी फ़िलहाल चाय बना रही हूँ, सबको चाय देती हूँ। तो सोचे चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, काफ़ी दिनों से आपसे बातें नहीं करी हैं। ये मैंने रक्षाबंधन पर मेहंदी लगाई थी, सारी छूट गई। आज क्या तारीख है, आज 19 तारीख है, हाँ रक्षाबंधन 15 तारीख की थी, मैंने 14 तारीख की रात को लगाई थी, और आज है 19 तारीख।
और दिन है सोमवार, और आंखें भारी भारी हो रही हैं मेरी वजह से। किस किस ने रक्षाबंधन पे राखी लगाई, राखी कह रही मेहंदी लगाई थी मुझे कमेंट, और ये मैंने खुद लगाई थी, मुझे नहीं आती है, जज मत करिएगा क्या गड़म चढ़म। मैं ये मेहंदी लगानी थी तो मैंने लगा लिया गड़म शगड़म खुद ही, तो ये लगा ली थी मैंने। और चाय को देखने पे निकलना गया है, तो मैं बनाने जा रही हूँ पीले चावल, मतलब खिचड़ी बनाने जा रही हूँ मटर वाली। तो आलू और चावलों को मैंने वॉश कर लिया है, ऑनियन कट कर लिया है, लहसुन को मैंने इमामदस्ते में कूट लिया है, और ये मैंने फ्रोज़न मटर मंगाई है, तो बस इसको वॉश करती हूँ, और कुकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं चावल। कुकर में तेल गर्म होने के लिए रख दिया, तो इसमें हमने जीरा ऐड कर लिया है, जीरा भी भून चुका है, तो अब इसमें मैंने प्याज भी ऐड कर ली है, तो प्याज को भी हम भून लेंगे। प्याज भून गई है तो इसमें मैंने सूखे मसाले, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली है जरा सी, और नमक और धनिया पाउडर डाला है, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। मैंने एक हाथ से फ़ोन को पकड़ा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है। मसाले भुन गए हैं तो मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिया, मटर को चला के अच्छे से 1 से 2 मिनट पका लूँगी। वैसे तो ये फ्रोज़न मटर है, बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती है, तो इसे चलाने के बाद अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डाल के अच्छे से एक बार अच्छे से इसको चला लेंगे, और फिर पानी ऐड, तो पानी ऐड कर दिया है, कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगाएंगे कुकर में, और आपके चावल तैयार हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।